बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का GPS स्कूल भगवाड़ी, SC ST NTSC एवं ओलम्पियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी GPS स्कूल में, RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, इतना ही नहीं क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए, चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव, वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। मुनावर के फौलादपुर गांव में ललित यादव के समर्थन में ग्रामीणों ने एक महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान समस्त ग्रामवासी एवं आसपास के ग्रामीण भी मौजूद रहे। उन्होंने एकजुट होकर ललित यादव को जीत का आशीर्वाद दिया, साथ ही 51 मीटर साफा पहनाकर जीत की बधाई दी। वहीं ललित यादव ने तमाम ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही सभी ग्रामीणों ने लोकसभा क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर राठ के बेटे को जिताने का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने ललित यादव को स्थानीय एवं युवा होने की बड़ी संख्या में जीत की बात कही। देखो, पहले भी जब विधायक का चुनाव हुआ तब भी पूरे गांव ने, 36 कौम के मेरे अपने परिवार ने, फौलादपुर परिवार ने जिम्मेदारी ली थी कि हम लोग पूरे इलाके में जाएंगे। आज भी गांव के तमाम मेरे 36 कौम के फौलादपुर के परिवार ने इकट्ठा यहां होकर के विश्वास दिलाया है पूर्व की तरह कि हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे। ये चुनाव हमारा है, ललित का चुनाव नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये गांव जब सोच लेता है तो उस काम को हमेशा फतह करता है। क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, समय बहुत कम है। तो इन सब लोगों ने जिम्मेदारी ली है आज कि सब लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, अपनी अपनी जाकर के वहां बात करेंगे, ललित बन करके अपनी बात कहेंगे। वैसे तो काफ़ी क्षेत्र में तो हम लोग चले गए, अभी बाकी बचा उनमें सब में जाएंगे। पूरा गांव इस बात को लेकर के एकजुट है, 36 कौम सभी मजहब धर्म के लोग हमारे एक साथ होकर पूरा परिवार एक साथ काम कर रहा है। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड, क्षेत्र का एकमात्र CBSE विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी, 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%, JEE मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% CA में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहां प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता में उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त DAV स्कूल बहरोड, आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाए, उनका भविष्य बनाए। यूनिक स्कूल संचालक सुमित यादव ने आज स्कूल कैंपस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सुमित यादव ने हाल ही में शिक्षक दंपति पर हुए हमले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। यादव का कहना है कि मुझे राजनीतिक द्वेषता के कारण फंसाया गया है, साथ ही उन्होंने अपने आप को बेकसूर बताया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सुमित यादव ने कहा कि यदि न्यायपालिका ने उन्हें दोषी करार दे दिया तो वह यूनिक स्कूल से हमेशा के लिए इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि नगरपालिका पर उन्हें पूरा विश्वास है और उन्हें न्याय मिलेगा। सन 2011 में महज 20 बच्चों से शुरुआत मैंने की। एक गरीब किसान का बेटा हूं, अपनी मेहनत और अपने बूते के जरिए शिक्षा के सभी पायदानों को सहजता से पार करते हुए मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म और साम्राज्य को अपना हिस्सा बनाया। मानता हूं माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ये संभव हुआ। जी, यूनिक की कुछ उपलब्धियाँ, उसके बारे में कुछ कहना बताएंगे? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा के पायदानों को पार करते हुए यूनिक स्कूल ने राठ क्षेत्र में वो कीर्तिमान कायम किए हैं जो आज तक मेरी नज़र में किसी शैक्षणिक संस्थान ने नहीं रखे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, महामहिम राज्यपाल कलराजी मिश्र द्वारा यूनिक स्कूल को बिफोर लास्ट ईयर एजुकेशन एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, पुलिस प्राइड अवार्ड, इंस्पायर अवार्ड, कालीबाई भील योजना के जरिए अनेकों स्कूटी कार्यक्रम, सामाजिक सरोकार की भूमिका में यूनिक राठ क्षेत्र का एकमात्र संस्थान है। जी हाँ, सामाजिक सरोकार की भूमिका में यूनिक एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने हजारों की तादाद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम और पौधा वितरण के कार्यक्रम किए, बहुत सारे शहीद स्मारक स्थलों, जिस शहीद को एक समय के बाद सहज रूप दे दिया जाता है,
यूनिक की एक पहल कभी से रही है कि उस शहीद जो हमारे लिए हुआ है उसको भी समय समय पर स्मारक स्थलों पर साफ सफाई, बहुत तरह के गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन, IIT नीज के सिलेक्शंस, ये यूनिक की उपलब्धियां हैं। जो विषय हमारा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अलग है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। जी, मैं इस घटना में बिल्कुल भी लिप्त नहीं हूँ। राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए जो संस्था प्रदान शिक्षा मानकों पर खरे उतरकर मुझे प्रतिद्वंदिता में डिफीट नहीं कर पाए, महज ये उनका एक राजनीतिक षड्यंत्र है, एक भंवर के रूप में मुझे उलझाया गया है। न्यायपालिका के द्वारा दिया जाने वाला निर्णय मेरे लिए सिरोधार्य रहेगा। न्यायपालिका के सभी निर्णयों का मैं सम्मान करता हूँ। इसी मीडिया को साक्षी मानकर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन मुझ पर हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार के आरोप साक्ष्य के तौर पर दिए जाएंगे, उसी दिन मैं यूनिक फाउंडेशन से अपने पद से सदैव के लिए इस्तीफा दे दूंगा। सुमित जी, सुमित यादव की पहचान यूनिक स्कूल से है जी। जो इस घटना को लेकर छवि में काफी हद तक गिरावट भी आई है जी, तो उसको उभारने के लिए अगला कदम सुमित यादव का क्या रहेगा? पहले सामाजिक सरोकार में बहुत बेहतर काम किया, उससे 5 गुना बेहतर काम अभी करेंगे, और मुझे उम्मीद है मैं अपने इस मान सम्मान को बचाने के लिए ही अपने यूनिक को आड़े ले रहा हूं। जिस यूनिक को लेकर ये प्रतिद्वंदिता रखी गई है, ये षड्यंत्र भंवर बनाए गए हैं, उसी का निचोड़ यही रखा है मैंने। मैं अपने यूनिक पद से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दूंगा। आम जनता आपको सुन रही है, तरह तरह की जो वो बातें चल रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, किस तरह संतुष्ट करेंगे आप? मैं जनता को यही कहना चाहूंगा, जब तक आरोप साबित नहीं किए जा सकते व्यक्ति दोषी नहीं होता है। आरोप तो मैं भी आप में से किसी भी एक भी व्यक्ति पर लगा सकता हूं कि आपने उस दिन ये घटना की थी, ये काम किया था, इतने रुपए चोरी किए थे, लेकिन बिना साक्ष्यों के किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। सुमित जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हो एविडेंस आपने थाने में दिए जी, उनको देखकर क्या लगता है कि हद तक न्याय मिल पाएगा किस तक जी? देखो, वीडियो साक्ष्य के तौर पर संबंधित पुलिस थाना में हमने एक वीडियो उपलब्ध करवाई है, उम्मीद है वो वीडियो मुझे न्याय दिलाने में काफी हद तक मददगार साबित होगी। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था, यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। लोकसभा चुनावी रण के दौरान नेताओं की बयानबाजी और व्यक्तिगत टिप्पणियों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में कांग्रेस नेता संजय यादव ने पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव एवं पूर्व प्रधान एडवोकेट बस्तीराम यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आज बस्तीराम यादव ने शक्ति रिसोर्ट में प्रेस वार्ता की और टिप्पणी का जवाब दिया। साथ ही बस्तीराम यादव ने जीवन में संजय यादव के साथ हुई घटनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमारा बच्चा है, संस्कारों में ही कहीं कमी रह गई जिसके कारण इतनी बड़ी गलती कर दी। क्या कहा एडवोकेट बस्तीराम यादव एवं नंदराम वोला ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 दिन पहले मेरे अपने गाँव कल्याणपुरा के एक नौजवान साथी कांग्रेस नेता ने एक प्रेस वार्ता की थी, उस कि मैं जवाब की आवश्यकता तो नहीं समझता, लेकिन चूंकि जो टिप्पणियां की गई हैं वो मात्र टिप्पणियां हैं, आरोप नहीं है। आरोप साबित करने में तो बहुत कुछ करना पड़ेगा जो संभव नहीं है। आरोप साबित नहीं किए जा सकते हमारे ऊपर जो लगाए। आप सबको पता है कि चुनावी टाइम में पार्टियां छोड़ी जाती हैं, पार्टियां ज्वाइन की जाती हैं, एक स्वाभाविक सतत प्रक्रिया है। परिस्थितियां और विचारधारा के हिसाब से व्यक्ति अपने निर्णय लेता है। शरद पवार जी ने लिए, ममता जी ने लिए, हमारी ज़िले की युवरानी साहिबा महेंद्रा कुमारी जी भारतीय जनता पार्टी से सांसद थी, उनका टिकट काट के डॉक्टर जसवंत जी को दे दिया गया, वो इंडिपेंडेंट लड़ी। भंवर जितेंद्र जी पहले BJP में थे, छोड़कर के कांग्रेस में आए,
तो ये कोई नई बात नहीं है। जब डॉक्टर करण सिंह जी बीस सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष थे, भंवर जितेंद्र सिंह जी केंद्र मंत्री थे, तब आप ही एकमात्र व्यक्ति थे भाई जब पूरे गांव ने इस भाई को, इसके परिवार को जात बाहर कर दिया था, खेतों में निकलने से पाबंदी लगा दी थी, पाइपलाइनें काट दी गई थी, इनका गांव में से बाहर शौचालय जाने के रास्ते बंद कर दिए गए थे। पूरा परिवार आया मेरे पास में, पूरा परिवार आया मेरे पास में, कहा साहब प्रधान जी हमारी मदद करो, हम संकट में, हमारे रास्ते बंद हो गए, हमारे पाइप काट दिए, हमारा गांव से निकलना दुभर हो गया। मैंने डीएसपी और एसडीएम को भेजा गांव में, गांव के लोगों से बात करके सामंजस्य किया, समझौता करवाया। दूसरे दिन सारा परिवार आया मिठाई लेकर के, डब्बा चरण छू करके कहा कि आपने हमको गांव में बसा दिया, आपका एहसान नहीं भुला सकते। जबकि मेरे ऊपर इस व्यक्ति का कोई एहसान कभी नहीं रहा था, सदा मेरे चुनाव में खिलाफत की थी इस आदमी ने, लेकिन मैंने ये सोच करके कि हमारा ही बच्चा है, कभी न कभी समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने उनको सत्ता का और गांव के लोगों को हाथ जोड़ करके मैंने समझौता करवाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर करण सिंह जी जैसे व्यक्ति पर आरोप लगाना, वो एक देवतुल्य व्यक्ति है, आदर्शों का समायोजित महासंग्रह है, राजनीतिक चूक होती रहती है, लेकिन उस इंसान के ऊपर जो इसके दादा से भी बड़ी उम्र का आदमी है, ये कहता है ना मैं संस्कारी को हूँ, मैं इज्जत करता हूँ डॉक्टर करण सिंह जी का, सम्मान करता हूँ। अरे डॉक्टर करण सिंह जी का सम्मान तो आपके मन में जो था वो सामने झलका दिया, लोगों के सामने आपके बारे में भी अपने आप को दर्शा दिया, क्या चीज है। डॉक्टर करण सिंह जी के ऊपर इन आरोपों से उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आदमी नहीं मानता इन बात, ये भाई भी कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। बिना तू की बात सोच भी नहीं सकते कि एक नौजवान साथी, हमारे ही परिवार का आदमी, और इस तरह से निजी टिप्पणियां हमारे राजनीतिक जीवन में, मेरे राजनीतिक जीवन में 35 साल में कभी व्यक्तिगत टिप्पणियों का हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है। आज भी मैं नहीं कर रहा, आज भी मैंने कहा कि गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है, कहीं न कहीं हमने संस्कार नहीं दिए उस बच्चे को। इस टिप्पणी से उस भाई ने अपने आप को तो खत्म कर ही लिया, लेकिन हमारे अपने गांव कल्याणपुरा जो बहादुर गांव है, उसको भी कलंकित करने का काम किया है, बदनाम करने की कोशिश की गई है। इतनी बड़ी बात तो नहीं कहूँगा कि हम किंग मेकर हैं, लेकिन वो भूमिका भी हमने निभा के बताई है। और आज जो डॉक्टर करण सिंह जी पे टिप्पणी की है, मैं भाई से कहना चाहता हूँ, या तो अति शीघ्र ललित यादव जी के शुभचिंतक हो, भंवर जितेंद्र सिंह जी के शुभचिंतक हो, इन शब्दों को वापस ले लो, वरना गांव-गांव में जनता पूछेगी कि आरोप कैसे लगाया करण सिंह के ऊपर, राजनीति में चाहे कहीं रहे। वो व्यक्ति है, बीकानेर में जन्म स्थली हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति ने सारा जीवन बहरोड और अरवर के लोगों की सेवा में बिताया है। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष, बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट JEE IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राट क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। माय स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेल, टीचर्स आर वेल बिहेव्ड एंड बिहेव फ्रेंडली विद द स्टूडेंट। इन माय स्कूल देयर हैज मेनी लैब्स, मेनी क्लासेस एंड देयर इज आल्सो स्पोर्ट्स टीचर व्हिच कमांड अस एंड टीच अस अबाउट द स्पोर्ट।
लोकसभा चुनाव की समर के दौरान जिस तरह से नेता अपनी पार्टियां बदल रहे हैं, उसी तरह से कार्यकर्ता भी अब इस रंग में रंगते हुए नजर आए। पूर्व पार्षद डॉक्टर ऋषिदेव यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। डॉक्टर यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में वे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन उनका मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया। खासतौर से उन्होंने नगर परिषद सभापति सीताराम यादव में उनकी टीम को भाजपा ज्वाइन कराने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ललित यादव का सहयोग करने की बात भी कही। मेरे खुद के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करवाई, मेरे को पुलिस स्टेशन में उठवाया, मेरे को उन्होंने परेशान भी किया। इतना हमने संघर्ष किया और पूर्व विधायक बलजीत यादव सीताराम के खिलाफ हमने इतना संघर्ष किया, हमने व्यक्तिगत नुकसान भेजा, हम भुगता, हमारे मान सम्मान तक भी हमने नहीं किया। हम पुलिस थाने में गए, हम डॉक्टर जसवंत यादव के साथ लगे रहे। उसके बाद डॉक्टर साहब की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि चुनाव जीतने के पश्चात इन्होंने उनको बुलवा लिया। सारे के सारे कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर साहब को कहा कि साहब इनके बिना अपन चुनाव जीते हैं और इनके बिना अपन लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने इसको चुनाव जीतते ही तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा के इन्होंने उद्घाटन कर दिया। टैगोर स्कूल बिचपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, स्कूल डायरेक्टर RK यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।